नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो, बात कर सकते हैं क्या अभी? अंधेरे में क्यों बैठा है ऐसी? मुझे डर लग रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना? जवानी वो जोश वो जज्बा है जो किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। लेकिन अगर ये जोश ये शक्ति दिशाविहीन हो जाए तो ये अपनों के लिए और दूसरों के लिए घातक हो जाती है। घर से भागने वाला ये लड़का और ये लड़की कौन थे, दोनों के बीच में क्या संबंध था, और वो लड़की कौन थी जिसकी लाश कुएं में तैर रही थी? दो अलग अलग शहर और दो अलग अलग समय पर शुरू हुई ये कहानियां कुछ इस तरह मिली कि एक बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला अपराध सामने आया। चाय क्या? जी चाय लीजिए। मनीषा रख दे, तो बैठ जा। मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से शादी कर, बस अब जल्दी से जल्दी एक मुहूर्त निकल लीजिए, शादी करो। ठीक है नक्की। लेकिन बाबा मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ। बाबा क्या बात कर रही है तू? चुप बाबा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करने दीजिए, हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे। ठीक है, कूदना चाहता है यहाँ से? तुझे पता है तूने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। जान देना चाहता है ना? जा, जा कूद। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, तो मेरी कसम खा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। ए, ए नितिन, भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा, तेरी आई बाबा तेरे साथ है हमेशा। मुझे डर लग रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना?
नितिन, नितिन, नितिन 8 बज गए, उठ जा बेटा। नितिन कब से आवाज लगा रही, उठ जा नितिन। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बच्चे पे? इतना चिल्ला रही हूँ तो भी नहीं उठ रहा है। था मी बग तो बगा। अरे ये क्या गया? कहाँ है वो? हाँ अरे कहाँ वो? बेटा इस वक्त बैठो, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि कहाँ है वो। अरे बैठो तो सही, बताता हूँ। अगर वो अगली बार मुझे यहाँ नहीं मिली ना तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा, और बाद में बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। सुनो बेटा मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात। अभी तो चला गया, अगली बार आया तो क्या जवाब देंगे? ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। अगली बार आएगा ना तो तू जवाब देना उसको। सर 4-5 घंटे हो गए हैं, वो आया नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। देखिए सर, मैंने आपसे बाहर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, हम 24 घंटे से पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? सर भगा ना सर। शिरके जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। देखिए 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लॉ है। एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए। 22 साल का लड़का है, किसी दोस्तों के साथ पार्टी करने गया होगा या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा, आ जाएगा, जाइए। नहीं नहीं सर, हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। डर तो इस बात का है कि पिछले हफ्ते वो नीट के एग्जाम में फेल हो गया था, तब से दुखी रहने लगा था, हमेशा मरने की बात करता था। बात क्या करता था, वो तो 3-3 बार अलग अलग तरीकों से कोशिश कर चुका था। आपने उसको आखिरी बार कब देखा था? 10-10:30 के आसपास खाना खा के वो अपने कमरे में चला गया। मैं देर तक टीवी देखता रहा, फिर मैं भी सो गया। सर सुबह उठ के देखा तो वो अपने रूम में नहीं था। मतलब सुसाइडल टेंडेंसी उसकी। इस बेस पे हम लोग कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एक काम कीजिए, उसके फोटोग्राफ, उसके सारे डिटेल्स, उसके दोस्तों के डिटेल्स, नंबर नोट करवा दीजिए, हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर नितिन के घर के बाहर एक दूध की डेयरी है सर, ये वहाँ का CCTV फुटेज। ये नितिन अपने घर से 5:30 बजे निकलता है और थोड़ी दूर चलकर ये ऑटो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ये ऑटो का नंबर लो और RTO से पता करो किसका है और इसके ड्राइवर नितिन को कहाँ ड्रॉप किया। ठीक है सर। यही वो जगह है, ऑटो वाले ने बताया था कि उसने नितिन को यहीं ड्रॉप किया था, ये बावड़ी के आसपास। यहाँ क्या करने आया था? तृप्ति सर उनको बोला। मैडम एक मिनट इधर आइए, आप लोग भी आइए। सब आप लोग फिर से यहाँ पर लाश को तो लेकर गए थे ना? लाश? आपका नाम? साहब नहीं, मेघा कदम। सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने आई तब मैंने लाश देखी। अरे जल्दी आओ! खड़की पुलिस चौकी पर। आपको पक्का यकीन है वो लाश लड़की की थी? हो जाहिर, सलवार कमीज पहनी थी, लंबे बाल थे, तो लड़की ही थी ना। वो पुलिस चौकी वाले ले गए लाश को। आप जानती थी उस लड़की को? मैं नहीं जानती, और वो यहाँ की नहीं लग रही थी। सर ये एरिया से कोई लड़की भी गायब नहीं है। जब लाश को कुएं में से निकाला पूरी तरह से सड़ चुकी थी, बहुत बास आ रही थी सर, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। इसका मतलब लाश काफी दिनों से कुएं में थी। लाश इतने दिनों से कुएं में पड़ी थी लेकिन उसको आज देखा आपने? सर वो कुएं का पानी हमें वापरत नहीं, तो घर पर नल है लेकिन आज पानी की जरूरत थी तो कुएं के पास आई तभी लाश देखी। करड़े सर तुम इकड़े थांबा,
आसपास के गांव वालों के हेल्प से इधर सब सर्च कर। ठीक है। खड़की पुलिस स्टेशन। सर वो औरत तो सही कह रही थी, बॉडी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है सर, चेहरा पहचानना इम्पॉसिबल है। लगता है 4-5 दिन हो चुके हैं, बाकी डिटेल तो पीएम के बाद ही पता चलेगी। सर बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज ही रहे, सर एग्जामिन करते वक्त हमें ये टैटू दिखा, मनीषा शायद इसका नाम है, यही नाम इसकी पहचान करने में हमारी मदद करेगा। हाँ द्रुपति, वो ऐसा और बॉडी नहीं। इसने सुसाइड किया है, जैसा कि इसके मां-बाप को शक था ये सुसाइड कर सकता है। फिर के पहले इस कुएं में एक लड़की की लाश मिली, अब इस नितिन की, जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एक काम करो, खड़की पुलिस चौकी को बोलो वो लड़की का केस हमें ट्रांसफर कर दे, और उस लड़की का फेस रिकंस्ट्रक्ट करवाओ, पता तो चले वो लड़की कौन थी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। देखिए नितिन की डेड बॉडी हमें कुएं के अंदर मिली थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नितिन को बारिश से डर लगता तो कुएं में कूद कर अपनी जान नहीं दे सकता। सर इसे तो पानी से फोबिया था सर, उस वजह से उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते भी थे। इनिशियल तो ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड केस है, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, बाकी डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाए। और एक लड़की की लाश उस कुएं में मिली, लगता है इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्या आप उस लड़की का फोटो देख के बता सकते हैं क्या नितिन उसको जानता था, क्या आपने उसको कभी देखा था? नहीं 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 सर, इस लड़की को हमने कभी नहीं देखा है सर, इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी सर, मैं उसका बाप हूँ और साथ में सर इसका बेस्ट फ्रेंड भी था सर, सर ऐसा कुछ होता तो ये मुझे जरूर बताता। सर जिस लड़की की डेड बॉडी कुएं में मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 9 जून को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है, मौत गला घोटने की वजह से हुई है, आई मीन रस्सी या दुपट्टे जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया। और सर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन मौत से पहले उसके साथ ना तो रेप हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट। एक और अजीब बात सर, लड़की 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। क्या? चलिए एक काम करो, ये लड़की का फिटस नितिन के डीएनए से मैच करवा, इन दोनों बॉडीज में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसलिए दोनों लाशें हमें उस कुएं में मिली। ठीक है सर। अच्छा लड़की का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भेजा था, उसका कुछ अपडेट? नहीं सर, अभी तक तो उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नितिन की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो नितिन क्लियर ही लग रहा है सर, उसका फोन 6 बजे उसी जगह स्विच ऑफ हुआ था जहाँ में उसकी डेड बॉडी मिली थी। और सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके कॉल रिकॉर्ड में उसकी माँ और उसके प्रोफेसर के अलावा किसी भी लेडी का नंबर नहीं है। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही कि जब उसके फोन रिकॉर्ड में किसी लेडी का नंबर नहीं है तो इस लड़की का कॉन्टेक्ट में कैसे आया, और उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग उसके पास सिर्फ एक ही फोन और एक ही सिम कार्ड था। सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहाँ मनीषा तांबे नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है और जिसकी डिटेल्स कुएं से मिली डेड बॉडी से बिल्कुल मैच कर रही है। कंप्लेंट किसने लिखवाई? सुरेश आगरकर, उसका कहना है मनीषा उसकी मंगेतर है। सर इसमें मनीषा का आई बाबा का भी एड्रेस है। ये ना समझा मेरे को, बताओ कहाँ पे? ये तो मार डालूँगा सबको। क्या चल रहा है रे? हाँ किसको मारने की धमकी दे रहे हो? सोडा वाला साहब, सब मुझे क्यों पकड़ रहे साहब? मैंने ही मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया, इनको पूछो ना मनीषा कहाँ है वो। उनको पूछने वाला हूँ, तू बोलने के बाद पूछूंगा ऐसा है क्या?
साहब तब अब मेरे को क्या पूछेंगे साहब, मैं मनीषा का बाप हूँ साहब, फिर भी मेरे को नहीं पता, सच बोल रहा हूँ साहब, पूछो इसको, वो कहाँ गई कहाँ गायब हो गई कुछ नहीं पता साहब हमको साहब, ये मेरे को क्या बोलो सर, बोल क्या बोलूँ साहब, अरे जो बोलने वाला था वो बोल साहब। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। 4 महीने पहले मैं मनीषा को देखने आया था, मुझे लड़की पसंद है, मुझे शादी से पहले 6 महीने का वक्त चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ बाबा। क्या बात कर रही है तू, चुप चुप बाबा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करने दीजिए, हम 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, ठीक है, तब तक आपका कोर्स चालू रखो और शादी होने के बाद हम पूरा कोर्स कर लेंगे। इसका मतलब ये शादी पक्की? बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, बताइयो बताइयो, वक्त आए क्या है, मुठा लेके आओ जमाई बापू के लिए, जाओ। पूरे 5 लाख है। पूरे 5 लाख है ना? जी हाँ। नमस्ते। एक काम करे, चाय बनाने के लिए जा, जा, जा। देखो तुम हाँ। चिंता मत करो, अब शादी जैसा तुम चाहोगे ना वैसे धूमधाम से होगी। और वो साखर पुड़े का क्या? उसका क्या है, 2 दिन में कर देंगे ना, मैं पंडित जी को बुलाता हूँ, कर लेंगे कर लेंगे। अरे खा ले ये, 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 ये। साहब एक वो दिन है और आज का दिन, उसके बाद मैंने मनीषा की शक्ल तक नहीं देखी साहब, रोज आता हूँ पूछता हूँ तो ये बुड्ढा बुड्ढी रोज मैं बुड्ढा बुड्ढी क्या हाँ, तुझे आई वडिलांचा वय असे आई बाबा बोल। सॉरी साहब, लेकिन साहब ये रोज नई कुछ कहानी बना के मुझे सुनाते हैं साहब। साहब 2 महीने पहले मैं इनको बोला था अगर मनीषा नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, फिर भी ये लोग ने कुछ नहीं किया साहब, मैंने राह देखी 2 महीना और फिर जाके अभी 1 हफ्ते पहले मैंने जाके कंप्लेंट करवाई पिंपरी पुलिस स्टेशन में। मनीषा अगर पिंपरे गांव की है तो तूने पिंपरी पुलिस स्टेशन में क्यों कंप्लेंट की? क्योंकि साहब मुझे पता चल गया था कि वो सगाई के बाद पिंपरी भाग गई है और किसी सोनाली कदम नाम के ब्यूटिशियन के पास काम करती है, इसलिए मैं वो सोनाली कदम के ऊपर नजर रख रहा था साहब, लेकिन मनीषा कहीं दिखाई नहीं दी। आपको मिली क्या मनीषा साहब? मिली, जिंदा ने मुर्दा, उसका मर्डर हुआ है। सर आप क्या बात कर रहे हैं साहब, सब ऐसा नहीं हो सकता साहब, सब आप झूठ बोल रहे हैं साहब, सब बताओ ना किसने मारा साहब? तूने, तूने मारा साहब। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब, सब मैं क्यों मारूंगा उसको साहब, मैं तो उससे शादी करना चाहता था साहब। तेरे को पता था वो कहाँ है, तू उसको मिलने गया, उसने तेरे साथ शादी करने के लिए मना किया, तू गुस्से में आया, तूने उसको मार दिया। साहब मैं उसको मिला ही नहीं तो मैं उसको मारूंगा कैसे साहब, उसकी मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने ही लिखवाई है साहब। ए तेरे जैसे बहुत देखे हैं नाटक करने वाले, हाँ अपना खुद का क्राइम छुपाने के लिए ऐसा ही नाटक करते है। करडे चले गए उनका पुलिस स्टेशन ला, उधर जाना सारे डिटेल्स देना साहब। पर मैंने डांट नहीं किया सर। सर वो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए बताओ जाना साहब क्यों उसके बारे में पूछ के हमारी इज्जत को उछाड़ रहे हो साहब, पहले उसे कहीं का नहीं छोड़ा सब इसकी वजह से हुआ सर। इससे बात करने को बोला, जब बात करने को बोलूंगा तब बात कर, शांत रहो। हाँ बोला सर, वो नाम बनाना चाहती थी सर, कुछ बनना चाहती थी वो, लेकिन इन्होंने उसकी सगाई सुदेश से करा दी, फिर उसके बाद वो बहुत दुखी रहने लगी सर, फिर उसकी सहेली रजनी उसने उसको सलाह दी कि वो भाग जाए, मैंने भी उसको यही सलाह दी। भाई रजनी मुझे रिक्शा से बस स्टॉप तक छोड़ देगी, मुझे उसके आगे से बस मिल जाएगी, मैं पहुंचते ही तुझे फोन करूंगी, तुम चिंता नहीं करना, पहुंचते ही मुझे बता देना और अपना ख्याल रखना बच्चा। मुझे लगता था खाली उसी सरबदारी कर रही है तू, मुझे ये नहीं पता था कि तू उसको भागने में मदद करेगी।
को का फिर लगा साथ उससे भी। अंदर कर दूंगा, चुपचाप खड़े रहो। हाँ। फिर वो रजनी की काकी है कोई, आरती साड़वे, उसके पार्लर में काम करने लग गई। वहां से बराबर मुझे पैसा भेजती थी। फिर एक महीने बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर किसी कदम मैडम के यहाँ नौकरी कर रही थी, वहां थी तब भी पैसा भेजती थी वो मुझे। आखिरी बार कब बात हुई आपकी मनीषा से? यही 10 दिन पहले। बहुत खुश थी उस दिन, दोबारा फोन ही नहीं किया उसने। आपको पता है वो कहाँ है, कैसी है? दरअसल मैडम, हमें लगता है कि मनीषा का मर्डर हो गया। क्या? ये फोटो देखिए, ये टैटू बॉडी के हाथ पे बना था। क्या आप पहचानते हैं इस टैटू को? भेज और शेर भेज उसको, मार दिया ना उसको। अब खुश है तू? अरे यहाँ रहती, शादी करती तो जिंदा तो रहती कम से कम। अरे मार दिया रे, मेरे बच्चे को मार दिया रे। मैडम ये फोटो देखिए, इसका नाम नितिन नाइक है। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं, कभी देखा नहीं इसे। क्या मनीषा इसे पहचानती थी? मनीषा के मुंह से भी नहीं सुना कभी। कुएं में मिली अनजान लड़की की लाश की पहचान मनीषा तांबे के नाम से हुई। क्या मनीषा के मर्डर के पीछे उसके मंगेतर सुदेश आगरकर या फिर उसके आक्रामक स्वभाव के पिता गणेश तांबे का हाथ था? क्या इन दोनों को मनीषा और नितिन के बारे में पता चल गया था, इसलिए इन दोनों को एक ही जगह पर मार दिया गया? सर, रजनी मेरी भतीजी है। मनीषा को 3 महीने पहले ही उसने मेरे पास भेजा था। मनीषा के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? मतलब कोई बॉयफ्रेंड था उसका या कोई अदर इंफॉर्मेशन? सर, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करती थी, लेकिन 1 महीने बाद ही उसने बिना बताए काम छोड़ दिया। सर एक बात और, वो देखने में बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन कभी उसने परेशानी की वजह नहीं बताई। अब आपके पास तो इतना स्टाफ है, तो किसी के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती हुई होगी जिसको उसने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया होगा। हाँ सर, एक लड़की है छाया राणे, वो उसी के साथ पीजी में रहती थी, शायद उसे कुछ पता हो। सर, मनीषा को घर में पीजी रख के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है सर। सर, एहसान और दोस्ती के बदले में उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, उससे रेंट नहीं लेते थे तुम लोग? सर रेंट तो देती थी, पर रेंट में हमारे पैसे हमें वापस करती थी, कभी बहू के पर्स से, कभी मेरे पर्स से। घर में कभी ना कभी पैसे तो गायब होते ही थे। हमें लगता था कि हमसे कहीं खर्च हुआ है, पर एक दिन जब मैं जॉब से वापस आई तो मैंने देखा कि अब वो अलमारी से पैसे चुरा रही थी। सर रंगे हाथ पकड़े मैंने उसे, पर एक भी बार माफी नहीं मांगी उसने, निकाल दिया फिर मैंने उसे घर से। सर, नितिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है, और सर मौत कुएं में डूबने की वजह से ही हुई है। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके गले पर नाखून के खरोच के निशान है, लेकिन प्रॉपर निशान नहीं है। मतलब सर ये हो सकता है कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से गला दबा नहीं पाया। यस शिरके, इसका मतलब ये मर्डर है, सुसाइड नहीं। यानी उसको कुएं में किसी ने धक्का मार के गिराया, और ऐसे आदमी ने गिराया जिसको पता था इसको तैरना नहीं आता। एक काम करो शिरके, नितिन के घर से ये खड़की के कुएं तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करवा, हो सकता है मर्डर उसको फॉलो कर रहा हो। ठीक है सर। तृप्ति, डीएनए रिपोर्ट की कोई अपडेट? सर डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर जल्दी आ जाएगी सर। सर, सर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है, बोल रही है कि मनीषा तांबे के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर मैं मंजरी, छाया रानी की पड़ोसी। बोलो। सर मैं अक्सर मनीषा को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए घर पर बुलाया करती थी, और एक दिन मुझे बाल स्ट्रेट करवाना था और मैंने उसे घर पे बुलाया था, और फिर एक सेकेंड ना दीदी। बड़ा शर्मा रही हो, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं दीदी, वो एक लड़का है, पसंद है मुझे। कौन है वो? इधर आओ, इधर आओ। कौन है? अब दीदी आप जानती हैं उसे, वो अपनी छाया है ना। उसका भाई। अच्छा, अरुण, वो भी तुमसे प्यार करता है या तुम्हें उसके प्यार में पागल? नहीं नहीं दीदी, वो भी मुझसे प्यार करता है। एक्चुअली पहल उसने की थी, वो
एक दिन मैंने खीर बनाई थी और वहीं से सब शुरू हुआ। क्या बात है यार, क्या खीर बनाई है तूने? मन तो करता है तेरे हाथ चूम लूं। खीर मैंने नहीं बनाई है, खीर मनीषा ने बनाई है। अच्छा, तुमने बनाई है खीर? एक भी ऑटो नहीं है आज। हाय हाय, तुम यहाँ? अच्छा, ऑटो की राह देख? ऑटो नहीं है तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोचो मत, मैं भी वहीं जा रहा हूँ तुम्हारी पार्लर की तरफ। आओ। हाय हाय। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। नहीं यहाँ नहीं, हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? चल। I love you मनीषा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I love you. I love you too. तो बात I love you तक पहुंच चुकी है, आगे भी कुछ हुआ है? दीदी बात आगे बढ़ चुकी है। सर मुझे पता था अरुण और छाया आपको ये सच नहीं बताएंगे, और बताते भी कैसे, वो दोनों मिलकर भोली वाली मनीषा को जानबूझकर धोखा दिया। मतलब? सर एक पैसे वाली लड़की के साथ अरुण की ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी और मनीषा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो बहुत दुखी हुई और उसने अरुण और छाया से इस बारे में बात की। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे अरुण, वो भी किस लिए? सिर्फ मेरे साथ? जी शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? बताओ क्यों नहीं बोला तुमने मुझे? बोलो क्या है, तो इस पे क्या चिल्ला रही है? और तू खुद मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी, समझी ना? और बताने का क्या मतलब है, पूरी दुनिया को पता है इसकी एंगेजमेंट हो गई है और तुझे नहीं पता? चाहे तू कैसे बोल सकती है ऐसे? तुझे लगता है अगर मुझे पता होता मैं इसके आसपास भी भटकती? जा रहे तू बकवास कर रही है, अगर लड़की सामने से इशारा कर रही है तो दुनिया का कौन सा आदमी मना करेगा? हाँ तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे, तुम दोनों ने। ए! हाँ दिया धोखा, क्या कर लेगी बोलना, क्या कर लेगी? इस धोखे ने मनीषा को बुरी तरीके से तोड़ दिया था, पर उसके बावजूद वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो अरुण की मंगेतर के बारे में सोच रही थी और उसने उससे जाके सब कुछ बता दिया। वो सब जानकर उसकी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी और इस बात पे अरुण को बहुत गुस्सा आया था। निकल बाहर, दफा हो जा यहां से, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया तूने मेरी। जब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे तब खुद पे आया इतना गुस्सा? नहीं ना, अब समझ आ रहा होगा जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। मैं दुआ करूंगी भगवान से तुम्हारी शक्ल ना कभी देखनी ना पड़े, और छाया ऊपर वाला ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। जिस दिन होगा ना तब समझ में आएगा कैसा लगता है जब कोई प्यार के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना रहा होता है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा होता है। मनीषा के तो मैं बस मजे मजे लेना चाहता था। करते वक्त शर्म नहीं आई? बोलने में शर्म आ रही है? सच बताओ तुमने टारगेट किया ना मनीषा को, और वो चोरी का इल्जाम? वो सर हमने झूठ बोला था, वो ये मनीषा से बोर हो गया था और सर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इसके मंगेतर को इसके अफेयर के बारे में ना पता चले, तो मनीषा से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मदद की थी, और कुछ नहीं किया सर मैंने। पीछा छुड़वाने के लिए मदद की थी या मारने के लिए? सर ये क्या बात कर रहे हो आप, हम थोड़ी मर्डर करेंगे, उसके मंगेतर के साथ उसका झगड़ा हुआ था। ए बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना है, तो अभी के अभी मेरे साथ घर चल, हम कल ही शादी कर लेंगे, चल। अरे छोड़ो मुझे, नहीं करनी है मुझे शादी तेरे से, सुना तूने? हाँ सुना, तेरे बोलने से क्या होगा, साकर पूरा हुआ है हमारा, और तेरे बाप ने ना मुझसे 5 लाख रुपए लिए, ध्यान में रखना। साकर पूरा हुआ है ना हमारा? साकर पूरा हुआ है ना? ये जेल, साकर पूरा टूटला, और जो पैसे तूने बाबा को दिए वो जाके उन्हीं से ले। ए नल्ला समझ ले मुझको, अगर मुझसे शादी नहीं करेगी ना तो मार डालूंगा मैं तुझे, चल निकल अब यहां से। हो गया द एंड, तेरी मंगनी टूटी थी ना उसके वजह से, तू गुस्सा था
इसलिए तूने बदला लिया और तूने मनीषा को मार दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई, लेकिन जितना गुस्सा मैं उससे था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसका बाप उससे करता था। उसका बाप? तेरे को कैसे पता है उसका बाप उससे नफरत करता था? सर मैंने अपनी आंखों से देखा। बाप हूँ तुम्हारा, जो मैं कहूंगा ना वही तुम करोगी, समझी? बस हो गया तुम्हारा नाटक। अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हा? ये ऐसे कपड़े पहन के खड़ी रहोगी अपने पैरों पे? तो अभी क्या भी घर चल, वो सुदेश रोज आकर बैठता है, क्या जवाब दूंगा उसको? पापा, वो सुदेश अब भी क्यों घर पे आता है? उसने बताया नहीं आपको, मैंने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। और जो पैसे आपने लिए वो तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। क्या बोली तू? सगाई तोड़ दी तूने? अभी क्या भी घर चल, मार दूंगा तेरे को मैं। मारना तो मार दो, मर जाऊंगी उस नरक में, वापस नहीं जाऊंगी। आपने और सुदेश ने अगर मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आप दोनों को अंदर करवा दूंगी। आपको जेल भेजेगी? आपको जेल भेजेगी? बाबा छोड़ो, नहीं जाऊंगी मां, नहीं जाऊंगी। मनीषा, तुझे कहानी बता रहा है ना, ये सच है या झूठ हम पता करके रहेंगे, समझा? चिरके सर, इसका डीएनए मनीषा के फिटस से मैच करवा, शहर छोड़ के जाने का नहीं जब तक केस चल रहा है। हाँ अभी तो 4,999 रुपए का फटके खाए तूने, 4,95,001 रुपए। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ने कुछ नहीं किया? सच बोल रहा हूँ साहब। तूने मनीषा का पीछा किया जब वो आरती सालवी के पास काम करती थी, बाद में वो कदम के पास काम करने गई तब भी तूने उसका पीछा किया। इतना ही नहीं तो तूने उसके साथ शादी करने की जबरदस्ती की। नहीं, जब उसने नहीं बोला तो उसको मार के खड़की गांव के कुएं में डाल दिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। नहीं साहब, सर मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। हाँ ये बात सच है कि मैं उसका पीछा करता था, उसको एक बार मिला भी हूँ साहब, लेकिन साहब उसको मनाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी साहब, लेकिन उसने मुझसे सगाई तोड़ दी साहब, अंगूठी तक मेरे मुंह पे मारा था। फिर मैं उसके बाप के पास गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे कोई मना सकता है तो उसका बाप ही है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है ताकि वो अपना हाथ पीछे ना ले सके। साहब मुझे तो बस उसके साथ शादी करनी थी, बस और कुछ नहीं साहब। साहब मैं किसी को नहीं मारा है साहब, सच 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 बोल। रजनी ने मनीषा को भागने के लिए मदद की है, फिर मैंने उसको डराया, धमकाया, उसने मेरे को बताया कि मनीषा कहाँ छुपी है, फिर मैं मनीषा को मिलने के लिए वो आरती साले के घर भी गया। मनीषा मेरे को पिंपरी में मिली, मैं उसे बोला घर चलने के लिए, बहुत बार बोला, नहीं मानी वो। उससे तो ये भी बोला कि सुदेश साहब की सगाई उसे तोड़ दिए साहब। मतलब तुमने मारा है ना मनीषा को, कैसे बाप हो तू? क्या बोल रही है तू, क्या बोलती है तू? मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? सुना, जब तेरी बीवी तेरे ऊपर भरोसा नहीं करती तो हम करे साहब? सर नितिन का डीएनए मनीषा के फीटस से मैच नहीं कर रहा है, और अरुण का डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा है, रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। सर आरती कदम के यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मनीषा जिस सोनाली कदम के पार्लर में काम करती वहाँ का एड्रेस मिल गया है सर। देखिए ब्लश कर रहा है ना सोनाली जी। जी सर। आपके घर गए तो पता चला कि आप यहाँ हो, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मनीषा के बारे में बात करनी थी आपसे। मनीषा? सर मनीषा बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया था और हम यहाँ पास में ही रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट। मनीषा को आप आखिरी बार कब मिली? करीब 1 हफ्ता पहले।
जब वो बोल के गई थी कि वो गांव जा रही है और बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। मनीषा का कोई बॉयफ्रेंड था? मैम, मनीषा बहुत फ्रेंडली लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें लड़के भी थे। अब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था मुझे नहीं पता। ये फोटो बगा, इसका नाम नितिन है, पुणे का रहने वाला है। क्या मनीषा ने कभी इसके बारे में जिक्र किया था? नहीं सर, अब नितिन नाम की किसी भी लड़की का उसने जिक्र नहीं किया था। लेकिन हाँ सर, एक बात है, जब भी वो परेशान होती थी तो किसी को फोन या मैसेज करती थी। ओ मैडम, हेलो, पाटिल मैडम का आज अपॉइंटमेंट है, तो गई नहीं? हाँ दीदी, वो एक्चुअली तू फोन क्यों छुपा रही है? क्या है? कुछ भी नहीं। तू किससे चैटिंग कर रही? तू फोन दीदी, है ना कोई स्पेशल है? मैंने उसे कई बार पूछा उसका नाम, पर उसने नाम नहीं बताया। बस इतना कहा कि कोई है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। और कोई बात जो आप हमें बताना भूल गई? पर हाँ सर, उसके पास फ़ोन नहीं था तो मैंने उसे अपना फ़ोन और सिम कार्ड दिया था जो काफ़ी टाइम से बंद था, तो वो नंबर वही यूज़ कर रही थी। नंबर बताइए। सर ये नंबर है, चेक करके देखो। सर ये वो नंबर नहीं है जो सुदेश ने हमें दिया था। मनीषा ने अपना फोन नंबर क्यों बदला? उसने अपने मोबाइल नंबर की बजाय सोनाली के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया? पुलिस ने मनीषा के दोनों फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन मनीषा और नितिन के बीच में कोई कांटेक्ट नजर नहीं आया। हालांकि मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नया नाम सामने आया, विमल सेठी। हाँ सर, मैं जानता हूँ मनीषा तांबे को, दोस्त है मेरे। सिर्फ दोस्त या और कुछ? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त है बस। ये अच्छी दोस्ती बनी कब से? एक्चुअली सर, मनीषा एक ब्यूटिशियन है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो बाहर के काम भी लेती है, तो कभी कभार मेरी बहन का फेशियल करने के लिए वो घर आती है, तभी उससे पहचान हुई और मेरी अच्छी दोस्त भी बनी। बहुत अच्छी लड़की है सर, पर बात क्या है सर, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसका मर्डर हुआ है सर। मनीषा का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा सर? किसी पे शक है तुम्हें? नहीं सर, बहुत भोली लड़की है वो, किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इसे पहचानते हो? इसका नाम नितिन नायक है। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या मनीषा ने कभी नितिन नायक के बारे में जिक्र किया? नहीं सर। मनीषा के बारे में कुछ याद आए तो हमें बता देना। मनीषा और नितिन के केस में हर एंगल चेक करने के बाद भी मनीषा और नितिन में क्या संबंध था, पुलिस ये पता करने में नाकाम रही थी। आखिरकार पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं इन दोनों केसेस को एक साथ जोड़कर देखना उनकी भूल तो नहीं है, क्या ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए पुलिस ने इन दोनों केसेस को एक बार फिर शुरू से खंगाला। क्राइम स्पॉट के मोबाइल टावर रिकॉर्ड्स और उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को बारीकी से चेक किया गया और जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये सीसीटीवी फुटेज नितिन के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर का है, ये देखिए सर। जा, मर जा। बाबा तू सा बाबा 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 वो गलती हो गई मेरे से, प्लीज माफ कर दीजिए। तू तीन बार फेल हुआ बेटा, मैं लोन पे लोन ले रहा हूँ, दिन रात मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। तू एक फेल क्या हो गया, जिंदगी से हार गया? नहीं नहीं बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं खूब मेहनत करूँगा और मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा, आपकी कसम बाबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, तुझे मरना है ना, तू मर जा बाबा। लेकिन गलती होगी, माँ बाप के बारे में मत सोच तू बाबा, तू मर जा बाबा। मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मर जा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अचानक से वो कुएं के अंदर गिर गया सर, अपने आंखों से डूबते हुए देखा। कहते ना, औरत में आदमी से ज्यादा धैर्य होता है। तुम्हारे पत्नी के सामने उसने तीन बार सुसाइड करने की कोशिश की और तीनों बार तुम्हारे पत्नी ने उसकी जान बचाई, पर तुम पहली बार अपना धैर्य खो बैठे।
बच्चे की याद में छोड़ो अभी जेल। सर, सर जहां मनीषा की लाश मिली वहां के मोबाइल टावर से पता चला है कि उस दिन वहां चेतन नाम के एक लड़के का मोबाइल एक्टिव था। चेतन उस एरिया का रहने वाला नहीं है सर। इतना ही नहीं सर, चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि दो ऐसे लोगों के नंबर मिले हैं जो मनीषा मर्डर केस के सस्पेक्ट हैं। कौन है वो दोनों? बहुत होशियारी दिखाई यार, बहुत दिमाग लगाया, बहुत प्लानिंग की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मर्डर का प्लान करते वक्त कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बात नहीं करते थे, इसके जरिए प्लानिंग की तुमने। मर्डर के दिन भी तुम्हारे दोनों का मोबाइल घर पे था ताकि तुम्हारा लोकेशन ना पता चले, ये तुम्हारा मोहरा था। जहां पे तुमने मनीषा की बॉडी फेंकी वहां इसका मोबाइल एक्टिव मिला। बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास, अपने मुंह से बोलते हो क्या? करड़े को बोलो। करड़े सर, सर सर ये अरुण की गलती है सर, इसके कहने पर हमने सब किया। अरे हाँ सर, जो इसने बोला वो हमने किया। सालो अब मासूम बन रहे हो, मैंने क्या जबरदस्ती की थी तुम पे? लेकिन मर्डर का प्लान किसका था? तेरा ही था ना। ये मनीषा को ना छोड़ूंगा नहीं मैं, पैसे मांग रही है ना, ऐसा कुछ करना है जिससे उसे पैसे ही ना देने पड़े। सिर्फ एक तरीका है, मनीषा के पैसे वापस देने से बचने का सिर्फ एक तरीका है तेरे पास। क्या? मनीषा का मर्डर। मैंने उसे इंटरनेट से कॉल किया और पैसे लौटाने के बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाया। पैसे? देखो बारिश हो रही है, अंदर बैठो। मनीषा आखिरी बार प्लीज। पैसे? और तू रे एड़ा बन के पेड़ा खाता है, मनीषा के पेट में तेरा बच्चा था पता चला है हमको। सर मैं और मनीषा एक ही गांव के थे, पिंपले गांव। ये अरुण ने उसे धोखा दिया तो वो काफी दुखी थी और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। मनीषा प्लीज प्लीज रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज। हम एक ही गांव के हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे लगता है हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बड़ी आसानी से सर वो मेरी बातों में आ गई, बहुत बोली थी। उसने खुद सामने से आकर मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की मदद की। मैं जानता था सर वो पैसे कभी नहीं मांगेगी, पर एक दिन गड़बड़ हो गई। यार चेतन, ये मनीषा को पटाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैंने क्या किया, एक दिन उसका हाथ पकड़ा, उसको झूठी मूठी प्यार की हमदर्दी जताई, मैंने कहा कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और दूसरे दिन भाई सीधे बिस्तर पे। वाह विमल, और तुम बोलते हो तुम दूसरों से अलग हो। मनीषा बदतमीज हो तुम। मनीषा मनीषा रुको रुको रुको, हाँ, मनीषा लगाओ मुझे यार। वो मैं ऐसी ही बात कर रहा था यार। किस तरीके की बातें कर रहे थे तुम मेरे बारे में? मैंने विश्वास किया था तुम पे और तुमने धोखा दिया है मुझे। सॉरी मैं हाथ। मनीषा लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज। हाँ तो देखने दो ना लोगों को। तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। मैं देता हूँ, मुझे हफ्ते भर की मोहलत दो यार। तुम सारे के सारे मर्द घटिया और एक जैसे होते हो। सारे सोसाइटी के सामने सर मेरा तमाशा करके रख दिया उसने। मैं मनीषा से बहुत नफरत करने लगा था सर, उसकी वजह से मेरी सगाई टूट चुकी थी, बर्बाद करके रख दिया था उसने मुझे। नफरत करना है ना तो खुद से करो। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। और तुम जैसे जानवरों को दुनिया में खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं। अब सड़ो जेल में जिंदगी भर। भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि इस मौका परस्ती के दौर में कौन किसकी पीठ में कब खंजर भोंक जाए ये समझ पाना आसान नहीं है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कोरोना महामारी से आज दुनिया भर में दहशत है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, पर मेरी मौत की वजह एक ऐसी बीमारी बनने वाली थी जिसका इलाज इंसानी दिमाग कभी नहीं ढूंढ पाया। अब हम तुमसे डरने नहीं वाले, समझे? अच्छा तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारेगी? हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं।
पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति इस कोरोना के संकट से जूझ रही है, लेकिन हमारा देश कोरोना के अलावा कई और वायरसेस से भी जूझ रहा है, जैसे कि अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, अन्याय, गरीबी और महिलाओं पर अत्याचार। ये सब ऐसे वायरस हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को बीमार करते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाला वायरस, जो कि सबसे खतरनाक वायरस है, इसने महिलाओं के अस्तित्व को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी वायरस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगतनी पड़ती है। आज का ये केस इसी वायरस से जुड़ी एक कहानी है। तुम ये चौका झोला छोड़ो बेटा, हम कर लेंगे सब, जाओ तुम। माँ, लॉकडाउन खुलने तक ऑफिस तो जाना नहीं, कुर्सी पे बैठे बैठे देखो कितने मोटे हो गए हम। इसी बहाने घर का थोड़ा चूल्हा चौका, घर की साफ सफाई करेंगे ना तो थोड़ा अनुभव भी ले लेंगे, क्या पता इसी बहाने थोड़ा सा वजन कम हो जाए हमारा। अरे ले लीजिए। अरे कुसुम, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म होते होते तक ना हम घिसी भी टिकिया बन जाएंगे। कोरोना वायरस के चक्कर में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं और हमको 2-2 बार कपड़ा धोना पड़ता है। अरे दीदी, आप टेंशन क्यों लेती हो? कोई बात नहीं, आपका भी थोड़ा बहुत अनुभव हम बांट लेंगे, कभी कभी हम भी कपड़ा धो दिया करेंगे, ठीक है? अरे अपने बड़के भैया का अनुभव भी बांट लीजिए, लॉकडाउन से पहले तो काम लगा नहीं और आने वाले समय में रोजगार कितना मारा मारी होने वाला है, तो क्या कीजिएगा महाराज, का चमत्कार दिखाएंगे? अरे पापा, हम अपना कुंडली देख रहे हैं और इंडिया का भी। सितंबर 2020 में इंडिया बूम है, देश चमकेगा और हम भी चमकेंगे, देख लीजिएगा आप। पापा हम अभी आते हैं। हाँ तुम हमको डर के फोन किए हो या हमको डराने को फोन किए हो? डार्लिंग कैसी बातें कर रही हो? ये मीठी मीठी बातें ना तो करो ही मत हमसे। हम तुमको अपना प्यार जाहिर करने के लिए फोन किए और तुम वायलेंस पर उतर आई हो। तुम पर तो अब भरोसा ही नहीं रहा। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? नहीं था टाइम, इसलिए नहीं किए कॉल। अच्छा हमारी बात सुनो। हाँ मुस्कान, हम ना तुम्हें अभी ईमेल भेज देंगे, ठीक है? ओके बाय। किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं भैया, वो हमारी कलीग का फोन था, ऑफिस के कुछ काम से फोन किया था। अच्छा तो वर्क फ्रॉम होम। हाँ भैया, ये अनुभव भी बड़े कमाल का होता है, अगर आपका जॉब होता तो आपको भी पता चलता। कुसुम? हाँ? अरे तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो कहाँ जाने की तैयारी में हो? मम्मी, वर्क फ्रॉम होम तुम्हारा तभी होगा ना जब हमारा लैपटॉप चार्ज होगा, और हमारा चार्जर खराब हो चुका है। यही पास में मारुफगंज में हमारी एक सहेली रहती है, हम तुरंत उससे चार्जर लेकर आ जाएंगे। अच्छा तो ध्यान से जाना और जल्दी काम खत्म करके सीधे घर आना। जी मम्मी, तुरंत आ जाएंगे। हाँ। हुआ मैडम, कोई समस्या है तो हमको बताइए ना। हेलो, हाँ शीतल दीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है। स्कूटी खराब हो गई? अच्छा अभी कहाँ हो तुम? वो यहाँ अनीसाबाद की, यहाँ पे। पर कुसुम, तुम तो मारुफगंज जाने वाली थी ना, तुम्हारी स्कूटी अनीसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था, सोचा वो भी निपटा ले, और वैसे भी अभी लॉकडाउन के चलते कहीं बाहर जाना तो होता ही नहीं है। तो बबलू भैया है ना, वो तुम्हारे पीछे ही निकले थे। एक बार उनको फोन करो, क्या पता वो तुम्हारे आसपास ही हो। बबलू भैया हमारे पीछे निकले थे? हाँ। अच्छा तुम रुको, हम बबलू भैया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनीसाबाद से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। इतना
देर हो गया, अंधेरा होने जा रहा है, ना कुसुम का फोन लग रहा है ना बबलू का फोन लग रहा है। हाँ, हमको चिंता हो रहा है, गली मोहल्ला पूरा सुन हो गया है। अरे मम्मी घबराइए मत, उन दोनों का फोन का बैटरी खत्म हो गया होगा। अरे तो दोनों का बैटरी एक ही साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा मन घबरा रहा है, हमारा दोनों बच्चा ठीक है कि नहीं। अब इस लॉकडाउन में साधन भी नहीं है, कैसे खोजने जाए उनको। ओ, शंकर का बेटा मंटू, उसके पास बाइक है ना। हाँ। तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो, ठीक है, और अगर वो वापस आ जाए तो हमको फोन करना। जी पापा। वायरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था, तब एक परिवार के दो भाई बहन कुसुम और बबलू लापता थे। उनके पिता रामनाथ उनको ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और उनकी मां दुर्गा और बहन शीतल सकते में थे। और सुबह होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में जुट गई। जब आप लोग को मालूम है कि शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना है, तो कुसुम को रुकना चाहिए था ना। सर वो कुसुम के लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया था, वो मारुफगंज अपनी सहेली से चार्जर लेने के लिए ही गई थी। किस सहेली से? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, कुसुम तो मारुफगंज गई थी, तो यहाँ अनिसाबाद कैसे आई? यही बात हम भी कुसुम से फोन पे पूछे थे। पर कुसुम तुम तो मारुफगंज जाने वाली थी ना, तुम्हारी स्कूटी अनिसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था, सोचा वो भी लिपटा ले। अच्छा तुम रुको, हम बबलू भैया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनिसाबाद से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। हेलो, अरे क्या आफत है शीतल, काहे फोन कर रही हो? भैया वो कुसुम का स्कूटी है ना, अनिसाबाद में खराब हो गया है, आप उसको पिक कर लेंगे? तो यहाँ बबलू अनिसाबाद में कुसुम से मिला था? सर हमको नहीं मालूम, हमने जब दोबारा फोन किया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुसुम फुलवारी शरीफ किससे मिलने गई थी? ये तो वो नहीं बताई थी हमको। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से सच छुपा रही हो? हो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफेयर चल रहा हो। ये क्या बोल रहे हैं साहब, हमारी कुसुम ऐसी नहीं है। सर वहाँ पे एक फीमेल का सैंडल मिला है, उस पे खून के धब्बे भी हैं। हाँ सर ये देखिए, ये तो कुसुम का ही सैंडल है। सर ये सब देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कुसुम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ। माना के सबूत मिला है, लेकिन कुसुम का स्कूटी यहाँ पे खराब हुआ था, तो क्या कुसुम स्कूटी समेत गायब हो गई? उसका भाई बबलू वो बाइक समेत गायब है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब कुसुम और बबलू के घर वालों से भी नहीं मिले थे। जैसे कि कुसुम घर से निकली थी मारुफगंज जाने का कहकर। यही पास में मारुफगंज में हमारी एक सहेली रहती है, हम तुरंत उससे चार्जर लेकर आ जाएंगे। तो क्या मारुफगंज में कुसुम की कोई सहेली थी, या फिर घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने परिवार वालों से झूठ बोला था? हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था। तो फुलवारी शरीफ में ऐसा कौन था जिससे कुसुम मिलने वाली थी? और सवाल ये भी था कि क्या उस शाम कुसुम और बबलू मिले थे, और अगर मिले थे तो फिर गायब कहाँ हो गए, और अगर नहीं मिले थे तो उनके इस तरह से अचानक गायब हो जाने के पीछे आखिर क्या कहानी थी। सवाल कई थे और जवाब ढूंढने के लिए मारुफगंज से लेकर फुलवारी शरीफ और अनिसाबाद के कई इलाकों में छानबीन शुरू की गई। कुसुम और बबलू के दोस्तों पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी सवाल जवाब किए जा रहे थे। मैं कमी सर। कमी सर, ये हमारे थाने के ऑफिसर और कांस्टेबल का फिटनेस रिपोर्ट। ऑल गुड? यस सर। ग्रेट। अच्छा तुम जो भाई बहन के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसकी क्या अपडेट है? सर हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारे हिसाब से भाई में ही कुछ गड़बड़ है सर। तुम्हें एडिशनल टीम की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। फिर भी अगर जरूरत हो बता देना। सर मामूली केस है, वैसे भी लॉकडाउन मैनेजमेंट में आपको ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत है सर। क्यों कह रहे हैं सर? डीएम सर के पास जाने का टाइम हो गया। सर माना कि बबलू भैया काफी गुस्सैल हैं, लेकिन वो हमको और कुसुम को लेके काफी प्रोटेक्टिव भी हैं। यानी बहनें कहाँ जा रही हैं, किसे मिल रही हैं, इससे पर नजर रखते थे।
सही कहे ना? हाँ सर। सर एक बात और बताना था, उस दिन हमने भैया को किसी से फोन पे बात करते सुना था। बबलू से मिलने का वजह मत पूछा कर, समझा? चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है। इस लॉकडाउन में दारू का इंतजाम भी करेंगे तुम्हारे लिए, आ जाओ। चल। आपको तो ये नहीं पता कि कुसुम मारूफगंज किससे मिलने गई थी या फुलवारी शरीफ किससे मिलने जा रही थी, और अब आप बता रही हैं कि बबलू किसी को पीटने के लिए गया था। तब इसका क्या समझे हम, कि कुसुम ने बबलू को गायब कर दिया कि बबलू ने कुसुम को गायब कर दिया? बस कीजिए सर, हमारा बेटा बेटी 2 दिन से गायब है, आप कुछ बोले जा रहे हैं? ये नहीं कि हमारा बच्चा लोग को आप खोजे ढूंढे कि कहां है कुणाल में। शीतल के बयान के बाद पुलिस बबलू को जानने वाले हर दोस्त हर जानकार से मिल रही, और फिर भाई बहन के कॉल रिकॉर्ड्स में नए समीकरण सामने आए। सर बबलू के दोस्तों से ये नहीं पता चल रहा है कि वो उस शाम किसको पीटने वाला था, लेकिन सर बबलू और कुसुम दोनों के फोन उस शाम अनीसाबाद में एक साथ ही बंद हुए थे। यानी दोनों भाई बहन उस शाम मिले होंगे। लेकिन सर दोनों भाई बहन के एक साथ गायब होने की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, और सर कुसुम के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर भी मिला है जो उस शाम फुलवारी शरीफ में ही एक्टिव था, और उसकी बहन ने बताया कि वो उस शाम फुलवारी शरीफ में किसी से मिलने वाली भी थी। किसका नंबर है? सर नमन अवस्थी। सर ये नंबर मनेर के एड्रेस पर रजिस्टर है और उसी शाम से बंद है जब से कुसुम और बबलू दोनों गायब हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम सच कह रहे हैं, हम किसी कुसुम बबलू को नहीं जानते। जानते नहीं हो तो कुसुम को फोन काहे करते थे? सर जब जानते नहीं तो हम क्यों फोन करेंगे सर? ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड, इसमें साफ दिख रहा है कि तू कुसुम से कई बार फोन पे बात करता था, अफेयर चल रहा था ना कुसुम के साथ तेरा। बता कहां बुलाया उसे फुलवारी शरीफ में? सर हम कभी फुलवारी शरीफ गए ही नहीं, और सर जिन कॉल रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं सर ये हमारा पुराना नंबर है। घुमा रहा है हमें? अरे याद दिलाओ इसे सब। आप लोगों ने बताया कि कुसुम का किसी के साथ अफेयर नहीं था, लेकिन कुसुम लगातार इस नमन नाम के लड़के के साथ फोन पे टच में थी। आप लोग जानते हैं इस लड़के को? नहीं सर, हम नहीं जानते। सर जी वो नमन तो वहीं का वहीं पर है। इस लड़के की डिटेल निकालो। जी सर, पर सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और कोई और हो जो उस फोन नंबर का गलत इस्तेमाल कुसुम को फुसलाने के इरादे से कर रहा हो। लेकिन हमें बबलू का एंगल भी देखना होगा, क्योंकि उसके जैसे भाई को ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि कोई लड़का उसकी बहन से इतनी बात करे। हो सकता है इसी गुस्से में उसने कुसुम को गायब किया और खुद गायब। सर अनीसाबाद में जंगल के पास एक लड़की की लाश मिली है। लाश का चेहरा पहचानना काफी मुश्किल है, लेकिन हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले। क्या ये कपड़े कुसुम के? मैडम कोई समस्या है तो हमको बताइए ना। यस ब्रदर आलोक, व्हाट हैपेंड? अरे अभी हम न्यूज में पढ़े हैं, उसका फोटो भी देखे, वही स्कूटी वाली लड़की का मर्डर हुआ है। इका ट्रेजिक हो गया। अब तुम रुको, हम अभी चिंटू को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं, एक मिनट रुको। का उस स्कूटी वाली लड़की का मर्डर हो गया? अबे कौन मारा बे उसको? भाई हमरे तो रोंगटे खड़े हो गए बात को सुनकर। मानो कल की बात है जब हम उसे देखे थे सामने। अब भूल जाओ भाई, अगर हम गलती से भी किसी को कह दिए कि हम उस लड़की को देखे थे तो हमारा सनी मंगल सब खराब हो जाएगा, क्या समझे? सही बोले आलोक, कहीं ऐसा ना हो जाए पुलिस हम ही पर इल्जाम डाल दे।
सर हम लोगों को तो लग रहा था कि कुसुम का रेप हुआ होगा, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो कहानी बदल के रख दी। क्रिमिनल बहुत सातिर है हरीश, वो दिखाना चाह रहा है कि जैसे रेप हुआ, लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि मर्डर केस है और फिलहाल गुनाहगार सिर्फ बबलू नजर आ रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा क्राइम सीन रच के भागा है कि लगे बहन का रेप भाई। नहीं सर, ये कहानी कुछ और ही है। अरे कुछ और का छोड़िए दिनेश जी, आपके रिटायरमेंट को 4 दिन ही बचा है, 4 दिन में पकड़ डालिए क्रिमिनल को, जाने से पहले लूट लीजिए वाह भाई। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपना अगला कदम उठाने वाली थी, अब उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए गए थे। कुसुम के घर वालों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। शांत हो जाइए। देखिए कुसुम का पोस्टमार्टम कराने से रिपोर्ट बदल नहीं जाएगा। आप लोग तमाशा बंद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। मीडिया इस मुद्दे को लगातार रिपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद थाने के सीनियर पुलिस ऑफिसर को इस केस का संज्ञान लेना पड़ा, जो उस वक्त लॉकडाउन से संबंधित ड्यूटी में व्यस्त थे। राजेश्वर, मालूम है ना गैदरिंग अलाउड नहीं है, फिर ये सब क्या? सर वो मैं लोगों को मना करता हूं। साहब हमें न्याय चाहिए, हमारे बेटे को ठीक से ढूंढा नहीं जा रहा है और हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में सिर्फ मर्डर आया। साहब आप एक बार आप लाश को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आपकी क्या मांग है हमें मालूम है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप माहौल तो देखिए, इतनी भीड़ लगा रखी, भीड़ हटवाइए यहाँ से। साहब हमको आपसे आश्वासन चाहिए कि पोस्टमार्टम दोबारा होगा और हमारे बेटे को ठीक से ढूंढा जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनती है हम करेंगे, ठीक है? अब भीड़ हटवाइए। राजेश भीड़ हटवा, चलिए हटिए, आप लोग हटा सको, चलिए हटिए हटिए प्लीज, चलिए संभाल लोगे, मैं टेंशन ना लूं, ये संभाला। सर हम लोग पूरा डेडिकेशन के साथ जांच कर रहे हैं सर। जो भी जांच हुई है स्टडी की है मैंने, सबसे पहले वो लड़की क्या नाम है? कुसुम, उसका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना होगा। हरीश बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजवा। सर और वो लड़की कुसुम, उस दिन फुलवारी शरीफ में जिस लड़के से मिलने जा रही थी वो नमन अवस्थी था? सर वो कोई दूसरा ही लगता है, क्योंकि नमन अवस्थी के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला है और नमन लगातार कह रहा है कि वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो है लेकिन उससे वो इस्तेमाल नहीं करता। तो उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाए होंगे? सर टेलीकॉम कंपनी में रिक्वेस्ट भेजे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सर हमें बबलू पे ज़्यादा शक है। जब तक सबूत ना हो, कोई भी एंगल महज एक थ्योरी होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर बबलू पे इतना ही शक था तो उसे ढूंढा क्यों नहीं अभी तक? बबलू क्या, तुम कुसुम की स्कूटी तक नहीं ढूंढ पाए? सर वो लॉकडाउन की वजह से, और सर दिनेश जी भी आज ही रिटायर हो रहे हैं सर। अरे हाँ दिनेश जी, सर दिनेश जी आज तो आप रिटायर होने वाले हैं। सर इमरजेंसी का वक्त है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम ड्यूटी पर ही रहते हैं। अरे नहीं दिनेश जी, आपने बहुत योगदान दिया है और बाकी टीम है ना, हम संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। थैंक यू सर। अरे वाह दीदी, आज बड़ी कमाल लग रही हो, ऐसी चली जाओ नीरज जी के सामने। धत, कुछ भी बोलती हो तुम पागल। अरे शादी करनी जा रही हो और वो भी घर वालों की मर्जी से, काय शर्मा रही हो? नहीं वो बात तो नहीं है, पर जब भी हम अपना शादी का बात सुनते हैं ना तो पापा का उदास चेहरा सामने आ जाता है, पता नहीं इतना सारा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। अरे दीदी काहे टेंशन ले रही हो, हम 1-1.5 लाख तक जोड़ रखे, दे देंगे पापा को। कुसुम की सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से काफी अलग है सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुसुम का ब्रूटल गैंगरेप हुआ था, मौत का वक्त तकरीबन 7 बजे और 2:30 बजे के करीब कुसुम ने अपनी बहन शीतल को फोन करके बताया था कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है। हाँ शीतल दीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है। मतलब लड़की ने तकरीबन 5 घंटे टॉर्चर सहा। सर कुसुम के नाखूनों में रेपिस्ट के स्किन के ट्रेसेस मिले, और भी चौंकाने वाले पॉइंट्स हैं सर इस रिपोर्ट में। सर कुसुम 1 मंथ प्रेग्नेंट थी लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कोई नामो निशान नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई बबलू कहाँ गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब मेंशन क्यों नहीं था। इस एरर की इंक्वायरी करनी होगी। सर इस एरर के पीछे कौन है, मुझे इसका हिंट मिला है। सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को सस्पेंड कर दिया गया, नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस का रुख मोड़ कर रख दिया था। सवाल यह भी था कि क्या बबलू इसमें इन्वॉल्व था और वो अब तक गायब क्यों था। पुलिस ने क्राइम सीन के 1 किलोमीटर के रेडियस में फिर से छानबीन शुरू करवा दी और अब बारी थी कुसुम के माता पिता के सच जानने की। बोलिए
क्या आप लोगों को पता था कि कुसुम प्रेग्नेंट थी? सर, हमको तो ये सोच के भी अजीब लग रहा है कि कुसुम प्रेग्नेंट थी। हो सकता है बबलू को भी अजीब लगा, उसे बहुत गुस्सा आया होगा जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। बबलू कहाँ है? बस कीजिए सर, बस कीजिए। आपने अपनी बेटी खोई है, उसके भाई के लिए परेशान है और आप कुछ छुपाने जा रहे हैं। हाँ मोइन। सर बबलू मिल गया है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसका भी मर्डर हो गया। सर, लाश के पास कुसुम की स्कूटी और बबलू की बाइक भी मिली है। सब कुछ झाड़ियों से पूरी तरह से छुपाया गया था। कुसुम की स्कूटी इस एरिया में खराब हुई थी, मतलब बबलू कुसुम को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था। और कुसुम की लाश यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहाँ मिली, तो पहले बबलू को यहाँ मारा गया होगा। शायद उनका मकसद कुसुम का सस्पेक्ट बबलू को बनाना रहा हो। स्कूटी, बाइक, बबलू सब कुछ यहीं था। राजेश्वर ने अगर ठीक से छानबीन करवाई होती ना तो एक केस इतना ना उलझता। सर, शीतल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बबलू का किसी से झगड़ा हुआ था और वो अपने दोस्तों के साथ किसी को पीटने का प्लान भी बना रहा था। चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है। हो सकता है कि सब कुछ बबलू के किसी दुश्मन का किया धरा हो सकता है कुसुम और बबलू के पूरे परिवार का दुश्मन हो, या ये वो भी हो सकता है जिसने कुसुम को प्रेग्नेंट किया। जो भी है, हमें हर एंगल पर नए सिरे से काम करना होगा। बिना वक्त गवाए बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। राइट सर। सर, नमन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक विमल चौधरी नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर, नमन और विमल दोनों का नंबर उस दिन फुलवारी शरीफ में एक्टिव था जहां कुसुम जाने वाली थी। सर, ये विमल, लेकिन सर ये इस वक्त जेल में है। जेल में? जी सर, इसने लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछताछ की तो ये उनसे बहस करने लगा, पुलिस वालों ने इसे जेल में डाल दिया। तो थोड़ी बहस हम भी करते हैं इसके साथ। साहब, हम किसी कुसुम को नहीं जानते, वो मुझे फुलवारी शरीफ में अंकुश ने बुलाया था। कौन अंकुश? विमल, जल्दी से फुलवारी शरीफ पहुंचो। फुलवारी शरीफ? अरे लेकिन बात क्या है साहब, अंकुश बोला वहां एक लड़की को डराना धमकाना, तो बस हम वहां पहुंच गए। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ मर गई। साहब, वहाँ वो लड़की आने वाली थी, वो आए नहीं तो हम दोनों चले गए। गई थी वो लड़की? हमें तो ये नहीं मालूम कि इसी वो लड़की थी या नहीं। ध्यान से देख, क्योंकि हमने देखा नहीं था साहब। जिस लड़की का तुम लोगों ने रेप किया, जिसका कत्ल किया, तुम लोगों को ये नहीं पता कि वो लड़की कौन थी? अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं साहब, हमको नहीं मालूम कि लड़की का खून किसने किया। बेशक अंकुश ने किया होगा तो हमको मालूम नहीं साहब। कहाँ मिले गई अंकुश? साहब, हमने कुसुम के साथ कुछ नहीं किया, हम तो प्यार करते थे कुसुम से। प्यार करते थे, फिर उसे फुलवारी शरीफ में धमकाने के लिए क्यों बुलाया? विमल, सब कुछ पक चुका है। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। वो फुलवारी शरीफ नहीं पहुंची तो तू अनिसाबाद पहुंच गया। वहां पहुंचकर तूने उसके भाई बबलू को मारा। हमारे यकीन की हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस उसे समझाना चाहते थे कि वो हमें भूल जाए। तेरा अफेयर था ना उसके साथ, इसे प्रेग्नेंट भी तुमने किया था। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि कुसुम प्रेग्नेंट हो जाएगी। अंकुश, एक प्रॉब्लम हो गई है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं।
सर बहुत बुरा फंसे थे हम। हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता रिया के साथ तय कर दिया। वैसे दिखने में कुसुम ज्यादा अच्छी थी, लेकिन रिया अपने बाप की इकलौती, बहुत पैसा उसके पास, इसलिए कुसुम को रास्ते से हटा दिया और उसके भाई बबलू को भी। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। प्लानिंग तो बहुत लंबी की थी तुमने, पर अब तो बहुत लंबा फंसेगा। नमन नाम के लड़के के सिम से तो कुसुम को फोन करता था ना? नहीं सर। वो सिम कहाँ से आया तेरे पास? सर वो सिम कहाँ से आया तेरे पास? सर नमन हमारे हॉस्टल में था, हमने तभी उसका सिम रख लिया था। तो ये नमन भी तुझे बचा रहा था, ये भी शामिल है इसमें? हमने कुछ नहीं किया सर, हमारा यकीन कीजिए। सर हमारा यकीन कीजिए। What happened? आप रो क्यों रहे हो? हमारा बच्चा बहुत बीमार है, हम अपने गांव आसनसोल जा रहे हैं मालिक। अरे बाप रे, इतनी दूर और वो भी पैदल? देखा, इस महामारी ने सबका हालत खराब कर दिया। अरे तुम डरो मत, हम गरीबों को खाना पीना बांट रहे हैं। तुम बैठो, तुम्हारे बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, बैठो। अरे नहीं नहीं, आप कहीं तकलीफ उठाएगा, हम चले जाएंगे। अरे इसमें तकलीफ कहेगा, दीजिए दीजिए बच्चे को, हमें दीजिए। अरे दीजिए, आप दीजिए, थोड़ा पुनिया हमें भी कमाने दीजिए ना। अरे दीजिए, अब आइए आइए, चलिए बैठिए बैठिए, गाड़ी में बैठिए। बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो, अब गाड़ी के अंदर बैठो। कहते हैं MO, मोडस ऑपरेंडी। अब पुलिस को यही लगेगा कि ये क्राइम भी उस लड़की कुसुम के किलर ने ही किया है। साला सीखो भी हमसे कुछ। अरे जल्दी चलो अब यहाँ से, और कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाओ। ये MO वैमो कुछ बात में देखेंगे। सर अंकुश को बहुत तोड़ा, नमन और विमल दोनों को दोबारा से रिमांड के लिए, लेकिन सर कोई कुछ नहीं उगल रहा है। ये अंकुश, नमन और विमल, इन तीनों को DNA को कुसुम के नेल्स में जो स्किन ट्रेसेस मिले थे उनसे मैच करो। सर। हेलो, अगर तुम दोनों इस जुगाड़ में हो कि कुछ माल मटेरियल मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बेरोजगार है हम, कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ भैया, लेकिन एक बार पॉकेट में हाथ तो डालिए, क्या पता कुछ मिल जाए। अरे काहे रक्षाबंधन के दिन हमारी इज्जत निकाल रही हो। देखो ना, ये देखो हमारे पॉकेट में कुछ नहीं। ये कहां से आ गया? भैया ये पक्का कुसुम ने रखे होंगे। हाँ भैया, लेकिन आपसे वापस लेने के लिए नहीं, ये आप ही के रक्षाबंधन का गिफ्ट है। अरे नहीं नहीं, रक्षाबंधन के दिन बहन से गिफ्ट नहीं ले सकता। रख लीजिए ना भैया। और वैसे भी कौन से डॉक्टर ने कहा है कि रक्षाबंधन पे भाई को ही बहन को गिफ्ट देना है? बुरा नहीं था हमारा बबलू, बेरोजगारी ने उसका जबर कड़वा कर दिया। सर कुसुम की लाश भी हमें इसी तरह मिली थी सर, बिल्कुल वैसा ही नजारा है। सर हो सकता है कि इसे भी कुसुम के कातिलों ने मारा हो। हो सकता है इसके हाथ पैर उस रस्सी से बांधे गए, कुसुम के हाथ पैर पे भी इसी तरह के निशान थे। कुसुम की बॉडी के पास कोई रस्सी मिली थी? नहीं सर, कोई रस्सी नहीं मिली। आसपास चेक करो, सब जगह चेक करो। सब सर, ये मोबाइल भी मिला यहाँ पे। ऑन करो देखो किसका। सर चेक किए, ऑन नहीं हो रहा, शायद बैटरी डेड है। चार्ज करवाओ देखो किसका। सर
मोइन, वहाँ वो औरत की लाश और यहाँ ये छोटा बच्चा, कहीं दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं? आई मीन, हो सकता है ये बच्चा उसी औरत का, उस औरत के साथ कुछ गलत हुआ और छीना झपटी में उसका ये बच्चा यहाँ पे गिर गया और मोबाइल भी गिरा। एक काम करो, हाईवे पे आजकल इतनी गाड़ी तो होती नहीं जितनी आम दिनों में होती थी, लॉकडाउन चल रहा है, हाईवे पे जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। राइट सर। सर ये मोबाइल एक नीलम नाम की औरत का है जो एक माइग्रेंट लेबर है, मेरी उसके घर वालों से बात हुई है, वो अपने बच्चे के साथ पैदल आसनसोल के लिए निकली थी। मतलब बच्चा उसी औरत का था। फैमिली क्वेश्चन आपके लिए बुलाओ। सर मेरी पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हुई, उस लड़की के साथ भी गैंगरेप हुआ था। यानी उस मजदूर औरत नीलम को पहले मारा गया फिर पत्थर से उसका सर कुचल कर उसका चेहरा बिगाड़ा गया। सर मैंने क्राइम वाले दिन की हाईवे एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वहाँ एक सिल्वर गाड़ी सस्पिशियस मिली जिसका नंबर प्लेट फेक था। शायद इसी गाड़ी से उस औरत को किडनैप किया गया। और सर क्राइम सीन से जो रस्सी मिली थी मैंने उसके बारे में भी पता किया, वैसी रस्सी बैंत के फर्नीचर को बांधने के काम आती है और बैंत के फर्नीचर बनाने का काम दानापुर में होता है। अब अगर हम 2+2=4 करें तो थ्योरी ये बनती है कि सिल्वर कार में उस मजदूर औरत को किडनैप किया गया होगा और किडनैपर्स या मुजरिम जो भी हैं वो दानापुर में फर्नीचर वर्कशॉप से जुड़े हो सकते हैं। और अब अगर हमें इस सिल्वर कार और मुजरिमों को ढूंढना है तो हमें दानापुर में ढूंढना होगा। लेकिन सर लॉकडाउन की वजह से सारे फर्नीचर के कारखाने बंद हैं, वहाँ पे पूछताछ नहीं की जा सकती। एक आइडिया है, काम मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है, कोरोना वायरस थर्मल स्क्रीनिंग। अरे साहब आप? दिनेश जी आप तो शास्त्री नगर में रहते हैं फिर यहाँ दानापुर में? साहब यहाँ दानापुर में भी हमारा अपना घर है, वो हम प्लान किए थे कि रिटायरमेंट के बाद यहीं आके रहेंगे इसलिए यहाँ आ गए, लेकिन साहब ये पीपी किट। हरीश है। अरे हरीश कैसे हो? बढ़िया। तो साहब ये कोरोना ड्यूटी में ये थर्मल स्क्रीनिंग का ड्यूटी भी पुलिस को ही दे दी है क्या सरकार? दिनेश जी आपको कुसुम मर्डर केस याद? हाँ सर याद है। कोई है शहर में जो लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और हमें पूरा शक है कि वो इसी एरिया का है। साहब यहाँ दानापुर से? जी, और हमें ये भी खबर लगी है कि जो भी है वो सिल्वर रंग की गाड़ी इस्तेमाल करता है। क्या बात है चिंटू, इतना अर्जेंट में काहे बुलाया हो? यार पुलिस को पक्का हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पता चल गया लेकिन कैसे? अरे वो इंस्पेक्टर मिला था पापा को, कह रहा था कि हाईवे वाले कार में किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आज एक खबर सुनकर दिल दहल गया है, एक मजदूर लड़की 500 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव जा रही थी, बेंत की रस्सी से बांधकर उसको अगवा कर लिया, बलात्कार किए फिर मार कर फेंक दिए कुछ हैवान। और देखिएगा पापा, इस बार भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस के बस की बात ही नहीं है ये। इंस्पेक्टर साहब मिले थे आज हमको और हमको लगता है कि वो जानते हैं कौन लोग हैं इस कांड के पीछे, कोई सिल्वर रंग की गाड़ी को ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन हमने तो हमारी सिल्वर गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगवाए थे हम, फिर कैसे पता चल गया? देखो पुरानी बातों को छोड़ो, अब सोचो आगे क्या करना है यार। साहब हम मानते हैं कि हमने उस मजदूर औरत का रेप किया और उसे मारे भी, लेकिन साहब हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया, सब सच कह रहे हैं हम। हाँ साहब हम उसको नहीं मारे, हम बस उसका रेप किए। सुन रहा आगे बोलो। और वो भी रेप करने का कोई प्लान नहीं था, बस वो तो गलती से हो गया सर। भैया आप?
कहाँ जा रही थी? भैया वो फुलवारी शरीफ में हमारी एक कलीग रखी है ना, बस उसी के। झूठ बोलने लगी हो ना तुम हमसे? अब एक नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया तेरा। आवाज नीचे करके बात कीजिए। तेरी आवाज सब ऊपर नीचे कर देंगे हम, बहुत पर लग गया ना तेरे। या लड़की को है कुछ प्रॉब्लम है कबे? उसका भाई मर गया तो हम उस लड़की को कंट्रोल करने के लिए बांध दिए और गाड़ी में डाल दिए साहब, और उस लड़के की लाश को वो स्कूटी और बाइक को वहीं पर ठिकाने लगा दिए थे। साहब हम पहले सोचे कि उस लड़की को भी मार ही देते, लेकिन साहब हमको मजाक करना था तो हम थोड़ा दूर चले गए। साहब हम सोचे कि वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगी, लॉकडाउन में उसे कौन देखता था। कुसुम को हमको पत्थर से नहीं मारे थे सर, उस मजदूर औरत को जरूर पत्थर मार के उसका चेहरा बिगाड़ा था सर हमने। साहब हम ये सोचे थे कि आप लोगों को यही लगेगा कि कुसुम के कातिल ने उसे मारा होगा, लेकिन साहब हम कसम से कह रहे हैं हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया साहब, हमने तो उसको जिंदा छोड़ दिए थे वहीं पर। ये तीनों ये तो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने कुसुम का रेप किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुसुम को मारा भी। सर मेरी दिनेश जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वारदात वाली शाम उनका बेटा चिंटू शाम को 6 बजे घर पहुंच गया था, जबकि कुसुम का मर्डर 7 बजे के आसपास हुआ है। और सर मैंने कंफर्म किया है कि चिंटू के दोनों दोस्त आलोक और सनी वो दोनों भी शाम को 7 बजे अपने अपने घर पहुंच गए थे। तो फिर कुसुम को किसने मारा? पापा मम्मी खाना। चले रामनाथ जी चलते हैं। मंटू, वही मंटू जिसके साथ आप उस दिन कुसुम को ढूंढने गए, उस मंटू ने हमें कुछ बताया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था साहब, जब हमें पता चला कि कुसुम शादी से पहले ही पेट से है। अंकुश एक प्रॉब्लम हो गई है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। हमारे पैर तलों की जमीन निकल गई। हमने किसी से कुछ नहीं बोला सिवाय बबलू के। हमने कल्पना भी नहीं की थी कुसुम हमारा मुंह काला कर देगी। तो अब क्या करेंगे आप? धृतराष्ट्र की तरह जाएंगे या गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे? नहीं, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबलू से मिलने का वजह मत पूछा कर, समझा? चल आके मिल, किसी को पीटने का प्लान बना है। हमारे कहने पर बबलू ने पहले ही प्लान बना लिया था। उस रोज कुसुम जब सहेली से चार्जर का बहाना करके निकली तो हम समझ गए ये उसी लड़के से मिलने जा रही है। हमने पीछे से बबलू को उसके पीछे लगा लिया, लेकिन उसके पास बबलू का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। हम मंटू के साथ उसे खोजने गए, बबलू तो नहीं दिखा, लेकिन कुसुम। हमने मंटू से विनती की और इतना ही बोला कि उसका रेप हुआ था, समाज उसे नहीं अपनाता। कैसे बाबू, बेटा अगर कैसा भी हो तो चलेगा, और बेटी? वो बेटी जिसे किसी ने धोखे से गर्भवती बना दिया वो अशुद्ध हो गई। अशुद्ध वो नहीं, अशुद्ध तुम जैसे लोगों की सोच है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। उस इंसान को कौन से चेहरे ने जकड़ रखा है ये हम नहीं जानते और धोखा खा जाते हैं। इस केस में कुसुम अंकुश को अच्छा समझ रही थी जो बुरा निकला। कुसुम का भाई बबलू और उसका अपना पिता रामनाथ, वो सबके चेहरे से धोखा खा गई। और वो 3 दरिंदे जिन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी, उनके भी 2 चेहरे थे। अपने परिवार की महिलाओं के सामने एक अच्छे इंसान का चेहरा, लेकिन वही चेहरा दूसरी महिलाओं को देखते ही बदल जाता था, हैवान बन जाता था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।